तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड के मीटियोर 350 का अरोरा ग्रीन कलर, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस, 2024 में रॉयल इनफील्ड के जिसमें मीटियोर 350 में आपको बहुत सारे नए बदलाव देखने मिलते हैं, बहुत सारे नए चेंजेस मिलते हैं, और साथ ही साथ इस बाइक की जो कीमत है ना, वो भी पहले से चेंज हो चुकी है। तो गाइस, अगर आप लोग भी 2024 में मीटियोर 350 लेने वाले हैं, फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बनेगा, वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चलेगा, मैं तो चलेगा, तो प्लीज अब तक से लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें अब जो नया कलर मिल रहा है ना, ये इसका अरोरा ग्रीन कलर है। इसमें आपको दो कलर और लॉन्च हुए हैं, जो कि अरोरा ब्लैक एंड अरोरा के कहते हैं आई थिंक ब्लू कलर है, लेकिन ये जो अरोरा ग्रीन कलर है ना, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आप लोग बताना कि जो अरोरा ग्रीन कलर है ना, ये आप लोग कैसी लग रही है मीटियोर 350 के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे अरोरा ग्रीन कलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर वाली या फिर क्रीम कलर बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की ग्राफिक देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लग रही है देखने में। तो गाइस, इस बाइक का जो ओवरऑल लुक है ना, इस कलर के साथ आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और यहाँ पे देखेंगे इस साइड से इस बाइक का जो प्रोफाइल निकल के आता है ना, कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें कि इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है 2024 में, वो निकल के आ रही है 264,000 से 265,000 के बीच में। आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी 2024 में। तो गाइस, ये तो होगी इस बाइक के प्राइस की बात। अब बात करते हैं सबसे पहले चेंज के बारे में और इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो जैसे फ्रंट प्रोफाइल में आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पहले जो मीटियोर 350 आते थे ना, उसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको कहते हैं जैसे मीटियोर 650 आते ना, उसी की तरह इसमें आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको आरी की बैचिंग मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर वही सेम आपको बल्ब मिल जाता है, लेकिन हाँ, इसमें आपको हेजार्ड लाइट देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग चारों इंडिकेटर को साथ में जला सकते हैं। तो गाइस, अब आप लोग बताना है कि इसका जो कहते हैं हेडलैम्प चेंज हुआ है ना, पहले एलईडी नहीं मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको एलईडी मिल रहा है, तो अब इसमें कोई विजिबिलिटी मिलेगी वो आपको बहुत बेहतरीन देखने मिलने वाले। तो आप लोग को जो नया अपडेट है ना, आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस देखेंगे इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा ना, वही सेम आपको मिल जाता है, जो कि आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको 41 का 130 का ट्रैवल देखने मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर देखने मिल जाता है, बाइबर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक मिलती है ना, वॉक मिलती है, ट्विंग पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी साइज है 300 mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में देखिए एबीएस की चैन लगाई गई है, तो गौर करिएगा इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा ना, वॉक मिलता है 100/90 का, 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है, लेकिन हम इसमें आपको अलाइवल नहीं मिलता है, इसमें आपको स्पॉक व्हील देखने को मिलती है। आप लोग क्लियर हो जाएगा, पहले इसमें आपको अलाइवल मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको कहते हैं स्पॉक व्हील देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों को अलाइवल चाहिए ना, वो एसेसरीज के थ्रू इसमें अलाइवल लगवा सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टॉक में जो लगा हुआ आएगा वो आपको स्पॉक व्हील देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, का जो फ्रंट सेक्शन है ना, अब आप लोग बताना कि स्पॉक व्हील के साथ आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देखेंगे इस साइड से इस बाइक का जो लुक है ना, कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाता है अरोरा ग्रीन कलर के साथ। हैंडल बार पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसका जो साइड मिरर मिलता है ना, वही सेम आपको क्रोम फिनिश के साथ राउंड शेप में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे इन्फो स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच देखने मिल जाता है। क्लच वही पहले वाला मिलता है, जो कि आप लोग काफी मेटल में देखने मिल जाते हैं, जो काफी मजबूत मिलती है। राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे इंजन ऑन ऑफ स्विच, नीचे आपको हेजार्ड लाइट जलाने के लिए स्विच देखने को मिल रही है। और अगर हम आते हैं इसके मीटर कंसोल के ऊपर, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे पहले ये वाला जो डिस्प्ले था ना, वो हटा दिया गया था, लेकिन 2024 में इसे फिर से दे दिया गया है। तो इसमें आपको ट्रिपल इंडिकेशन सिस्टम भी देखने मिल जाता है, हेलमेट रिमाइंडर मिल जाता है, टाइम देखने मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ट्रिप ए, ओडोमीटर, ट्रिप बी देखने को मिल जाता है, ट्रिप एफ देखने को मिल जाता है, टाइम देखने को मिल जाता है, किलोमीटर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे एबीएस इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। तो गाइस, इसका जो मीटर कंसोल है ना, पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाती है, क्योंकि पहले इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन लगवाने के लिए अलग से पेमेंट करना होता था, लेकिन अब इसमें आपको 2024 में ऑलरेडी लगी हुई देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये जो मीटर कंसोल है ना, आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक का कैप जो मिलता है ना, वही सेम क्रोम में मिल जाता है। यहाँ पे आपको पेट्रोल अप टू 20 की स्टिकर देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर, काफी बड़ा मिलता है फ्यूल टैंक दोनों साइड में, देख सकते हैं क्रोम की प्लेटिंग के साथ। यहाँ पे देखेंगे रॉयल एनफील्ड का 3D एम्बर लोगो देखने को मिल जाती है। और ये जो अरोरा ग्रीन कलर मिल रहा है ना, ये इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। तो आप लोग बताना कि जो नए कलर ऑप्शन के साथ मीटियोर 350 मिल रही है, आप लोग कैसी लग रही है करके जरूर बताएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वो मिलती है 15 लीटर की। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो गाइस आपको पता है कि 2023 में ही बाइकों का इंजन जो था ना, अपडेट हो चुका था। तो इस बाइक में आपको जो इंजन मिलता है ना, वही सेम आपको जे सीरीज का 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 फेज
2 इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एयर ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाएगा। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 20.2 bhp का 6100 rpm। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो मिलता है 2780 का 4000 rpm पे। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। तो दोस्तों इसका जो इंजन है वही पहले वाला रखा गया, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ इसमें आपको वीडियो टू सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे मीटियोर 350 का आपको स्टिकर मिल जाता है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ। साइड स्टैंड में आपको इंजन कट अप सिस्टम देखने को मिलती है। और अगर हम आते हैं इसके सीट के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इस बाइक में अब आपको मिलता है टूरिंग वाली सीट देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टूरिंग वाली सीट लगाई गई है 2024 मॉडल में, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसकी जो कुशनिंग मिलती है ना, थोड़ा सा काफी अच्छा कर्व मिलता है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा कर्व मिलती है, जिसकी वजह से जो बैकरेस्ट का काम करता है ना राइडर के लिए, वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो इससे आप लोग लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हैं। और अब आते हैं इसके पिलन राइडर पे। तो यहाँ पे देखेंगे इस बाइक की जो सीट है ना पिलन राइडर वाली, वो भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलती है, और साथ ही साथ बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है काफी अच्छे कुशनिंग के साथ। तो आपका जो पिलन राइडर होता है ना, वो भी इस बाइक पे लॉन्ग राइड आराम से कर सकता है बैठ के। और यहाँ पे देखेंगे सारी गार्ड पिलन फुटेज लेडी फुटेज देखने को मिल जाती है, लो मेंटेनेंस हाफ कवर देखने को मिल जाती है चैन। तो अगर आप लोग टाइम टू टाइम चैन लूप चैन क्लीन करते रहेंगे तो आपकी जो चैन की जो लाइफ है ना काफी लंबे समय तक चलेगी। और साथ ही साथ इसमें लेडी फुटेज होने की वजह से, सारी गार्ड होने की वजह से, आपकी जो घर की लेडीज है ना, वो इस बाइक पर कंफर्टेबली राइड कर सकती हैं। और अगर हम आते हैं इसके रियर टेल लाइट से, तो यहाँ पे देखेंगे बैकरेस्ट के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे वही सेम आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर वही पहले वाला मिलता है। तो रियर प्रोफाइल में आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम आते हैं इसके रियर सेक्शन से, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रियर में आपको मिलता है ट्विन ट्यूब एमुलेशन शॉक एब्जॉर्ब विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 6-स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वो आपको मिलता है। फ्रंट में आपको ट्विन पिस्टन मिलता है, रियर में आपको मिलता है सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको मिलेगी 270mm का। डिस्ब्रेक के बीच में देखिए एबीएस की चैन लगाई है, क्योंकि डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। और जो रियर टायर मिलता है वो आपको मिलता है 140/70 का 17-इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है, स्पॉक व्हील के साथ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए क्रोम का की कहते हैं आपको काफी अच्छा एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। इस साइड में देख सकते हैं मीटियोर 350 का स्टिकर देखने को जाता है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस कर दी है। तो गाइज ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, कि इसमें आपको डायमेंशन क्या मिलता है, पहले से चेंज हुआ है फिर नहीं हुआ है। तो गाइज इस बाइक की जो कर्व वेट हैंड वॉक मिलती है 191 kg की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 15 लीटर की, सीट हाइट जो मिलती है मिलती है 765mm का। तो अगर आप लोग की जो हाइट है शॉर्ट हाइट भी है, तो आप लोग इस बाइक को आराम से कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 170mm का, व्हील बेस जो मिलता है वॉक मिलता है 1400mm का। और साथ ही साथ इसका जो लेंथ मिलता है वॉक मिलता है 2140mm का, विथ जो मिलती है वॉक मिलती है 845mm का, हाइट जो मिलती है वॉक मिलता है 1310mm का। तो गाइस ये थे इस बाइक के डायमेंशन, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब फाइनली बात करते हैं कि 2024 में इसमें आपको मेन चेंजेस क्या मिलते हैं। तो पहला इसमें आपको नए कलर ऑप्शन, दूसरा नई ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, तीसरा यहाँ पे देखेंगे तो पहले इसमें आपको हाइड्रोजन मिलता था लेकिन अब इसमें आपको LED हेडलाइट मिल जाता है, चौथा इसमें आपको पहले अलावेन मिलता था लेकिन अब इसमें आपको स्पॉक व्हील देखने को मिल जाती है, लेकिन ट्यूबलेस टायर मिलता है, आप लोग क्लियर हो जाइएगा। अगला इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम पहले हटा दिया गया था, लेकिन 2024 में फिर से इसमें दे दिया गया है। और नेक्स्ट जो इसमें आपको जो प्राइस मिलती है ना, थोड़ी सी पहले से बढ़ चुकी है। तो गाइज अब आप लोग बताना कि इतने सारे नए बदलाव के साथ 2024 मॉडल मीटियोर 350 जो है ना, आप लोगों को कैसी लग रही है अरोरा ग्रीन कलर के साथ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगे, ये कलर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगे, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट हो, कोई सवाल करना है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।